भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हीं के घर में टेस्ट सीरीज खेल रही है, लेकिन इसी बीच क्रिकेट साउथ अफ्रीका की जमकर आलोचना हो रही है। यहां तक कि साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों को इस समय जमकर कोसा जा रहा है। इसका कारण खिलाड़ियों और साउथ अफ्रीका बोर्ड का एक फैसला है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका को इस कदर घेरा जा रहा है कि अब उन्हें खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी है। अब जान लेते हैं कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका की इतनी आलोचना क्यों हो रही है। दरअसल क्रिकेट साउथ अफ्रीका की सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए एक टीम चुनी। टीम में ज़्यादातर खिलाड़ी एकदम युवा और नए हैं। टीम की कप्तानी नील ब्रांड करेंगे। नील दूसरे ऐसे क्रिकेटर होंगे जो अपने डेब्यू मैच में ही टीम की कप्तानी करेंगे। भारत के खिलाफ खेल रही साउथ अफ्रीकी टीम के सिर्फ 3 खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा होंगे। लेकिन ऐसा क्यों? वजह यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीकी टीम जब टेस्ट सीरीज खेलेगी उसी समय उनकी T20 लीग SA20 चल रही होगी और टीम के सभी मुख्य खिलाड़ी इसमें व्यस्त होंगे। यही कारण है साउथ अफ्रीका बोर्ड की आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचों को उतनी तवज्जो नहीं देता है। अब जान लीजिए कि इस भीषण आलोचना की सफाई में क्रिकेट साउथ अफ्रीका का क्या कहना है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अपने आप को असहाय बताया है। बोर्ड ने सफाई में लिखा है कि वह टेस्ट क्रिकेट का बखूबी सम्मान करते हैं। बोर्ड का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के कार्यक्रम का ऐलान 2022 में ही हो गया था और उस समय SA20 लीग का कार्यक्रम नहीं बन पाया था। एक बार जब ये साफ हो गया कि दोनों की तारीखें टकराएंगी तो बोर्ड ने हर संभव कोशिश की कि दोनों चीज़ें अपने समय पर चल सकें और ये फैसला न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी बातचीत करके ही लिया गया। बोर्ड ने बताया कि ये सीरीज अप्रैल 2024 में खेली जाने वाली थी, इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया। बोर्ड ने लिखा है कि इसके अलावा बाकी का कार्यक्रम तय हुआ और उनका SA20 लीग के कार्यक्रम में टकराव नहीं होगा। बोर्ड ने कहा कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पूरी तरह से समर्पित है। साथ ही बोर्ड का ध्यान SA T20 को मजबूत करने पर भी है। हालांकि आज के समय में लीग क्रिकेट के सामने इंटरनेशनल क्रिकेट वैसे ही फीका पड़ता नजर आ रहा है, तो इसमें क्रिकेट साउथ अफ्रीका भी क्या ही करे।